हे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आपको आपके प्ले स्टोर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे ही आपके प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो और उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है, कांट डाउनलोड एमएक्स प्लेयर। आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो और तभी आपको यहाँ पर ये एरर आ जाता है। तो कैसे गाइज आप इस एरर को ठीक कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपका प्ले स्टोर है आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या है। फिर आपको यहाँ पे आपके प्रोफाइल वाले आइकन पर आपको टैप करना है और फिर आपको सेटिंग पे टैप करना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नेटवर्क परफ्रेंस पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड परफ्रेंस पे टैप करना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है। आपको यहाँ पे आवर वाईफाई ओनली एस मी एवरी टाइम, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क पे टैप करके डन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अबाउट पे टैप करना है और थोड़ा नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आ जाना है और फिर आपको यहाँ पे प्ले स्टोर वर्जन पे टैप करना है और इसके नीचे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर वर्जन के नीचे अपडेट प्ले स्टोर। तो आपको अपडेट प्ले स्टोर पे टैप करना है और गाइस फिर आपको यहाँ पे टैप कर देना है और अब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर वर्जन पे लगातार 4 से 5 बार टैप करना है। फिर गाइस इससे क्या होगा, अगर आपका प्ले स्टोर अपडेट है तो ठीक है, अगर आपका प्ले स्टोर नहीं है तो आपका प्ले स्टोर ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे आपके प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और अब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कीजिए जो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अगर आपको एमएक्स प्लेयर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे एमएक्स प्लेयर को सर्च कीजिए और यहाँ से इंस्टॉल करने का ट्राई कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है और फिर आपको ऐप्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है प्ले स्टोर। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा और फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ क्लियर डेटा पे टैप करना है और फिर आपको क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको डेटा यूज का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको डेटा यूज पे टैप करना है और आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे कोई ऑफ है तो आप तीनों को ऑन कर लीजिए, हो सकता है आपने मोबाइल डेटा बंद कर दिया हो तो आपको इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। फिर आप यहाँ पे बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आपको गूगल प्ले सर्विस सर्च कर लेना है और गाइस फिर आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको जैसा कि आपने प्ले स्टोर में क्लियर डेटा पे टैप किया था उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी क्लियर डेटा पे टैप करना है। गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे मैनेज स्पेस पे टैप करना है और अब आपको क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप करके ओके कर देना है। गाइज मैं इसका क्लियर ओल्ड डेटा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसे ही मैं इसका क्लियर ओल्ड डेटा करूँगा तो मेरा रिकॉर्डर स्टॉप हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे इसका भी क्लियर डेटा कर लेना है और यहाँ पर भी गाइज आपका आपको डेटा यूज़ का ऑप्शन सेट कर लेना है। अगर आपका ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिए। अब आप यहाँ पे बैक आ जाइए और आप यहाँ पे आपके फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्री एंड कंटिन्यू करके और आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको ऊपर की तरफ शो हो रहा होगा आपकी स्टोरेज। आपको ऐसे चेक कर लेनी है आपकी स्टोरेज। गाइज मेरी यहाँ पे 100 में से 18% स्टोरेज यूज्ड है। तो अगर आपके यहाँ पे स्टोरेज फुल हो गई है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी आपके प्ले स्टोर के अंदर, जैसे आप डाउनलोड करने का ट्राई करते हो और आपको कांट डाउनलोड प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आपको स्टोरेज चेक कर लेनी है और आपको यहाँ पे आपके स्टोरेज अगर फुल है तो आपको कोई कुछ डिलीट कर देना है, कोई बड़ी फाइल हो तो आपके मोबाइल में। तो उसके बाद आप यहाँ पे आपके मोबाइल को एक बार रिबूट भी कर लीजिए। रिबूट कर लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके प्ले स्टोर
स्टोर के अंदर आप इजीली यूज़ कर पाओगे आपके प्ले स्टोर को। गाइज आज की वीडियो में मुझे आप सभी को इतना ही बताना था। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।